ओम शांति। उपनिषदों की 108 उपनिषदों की श्रृंखला में आज मैं तीन उपनिषद कवर करूंगी, लेकिन ब्रेक देख देकर। तो सबसे पहले तुम्हें आर्य आत्म पूजोन उपनिषद से स्टार्ट करूंगी, जो एक ही पेज का है। इसके बाद हम आत्मबोधो उपनिषद करेंगे, जो कि फिर दो तीन पेज का है, और इसके बाद आत्मोपनिषद की बात करेंगे। तो आत्म पूजो, आत्मबोधो और आत्मो, ये तीन उपनिषदों के बारे में हम इस आज के दिन बात करेंगे। राम प्रकाश शर्मा जी, आपको भी जय हिंद। तो शुरू करते हैं। यह उपनिषद केवल एक पेज का है, आत्म पूजो उपनिषद। तो इसको खत्म करने के बाद मैं ब्रेक दूंगी और 10 मिनट बाद अगला करूंगी, जो कि केवल 3 पन्नों का है। तो पहले हम आत्म पूजो उपनिषद पढ़ते हैं। इस उपनिषद में काया में स्थित आत्म तत्व की, आत्मदेव की पूजा उपासना की विधि समझाई गई है। जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को ही पूजा आराधना बना लेने का कौशल समझाया गया है। इसी से मोक्ष प्राप्ति की का कल्याणकारी पथ भी प्रशस्त होता है। फिर इसका पहला श्लोक का अर्थ है, उस आत्म तत्व का सतत चिंतन ही उसका ध्यान है। समस्त कर्मों का निराकरण ही आवाहन है। अविचल ज्ञान ही उसका आसन है। उस आत्म तत्व के प्रति सदा उन्मुख रहना ही पाद्य है। उस ओर सदैव मनोयोग ही अर्थ है। आत्मा की निरंतर दीप्ति ही आचमन है। श्रेष्ठता की प्राप्ति ही उसका स्नान है। सर्वात्मक दृश्य का विलय यानी शून्य लय समाधि ही गंध है। विशिष्ट नेत्र मतलब अंतर नेत्र ही अक्षत है। चित्त यानी चैतन्य दीप्ति ही पुष्प है। उस आत्म तत्व का सूर्यात्मकत्व ही दीपक है। पूर्ण चंद्र और उसके अमृत रूपी रस का एकीकरण ही नैवेद्य है। उसकी सुनियोजित गतिशीलता ही प्रदक्षिणा है। उसका सो अहम मैं वही ब्रह्म हूं भाव ही नमन है। मौन अंतर्मुखी रहना ही उसकी स्तुति करना है। सदैव संतुष्ट रहना उसका विसर्जन है। इस प्रकार परिपूर्ण राजयोगी का सर्वात्मक पूजा उपचार ही उस आत्म तत्व का आधार है। समस्त आदि व्याधियों से रहित मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, ऐसा भाव रखने से ही मुमुक्षों यानी मोक्ष की अभिलाषा वाले लोग कि मोक्ष प्राप्ति करने की अभिलाषा सिद्ध होती है। यही उपनिषद तत्व ज्ञान है। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो परमात्मा है उसे हमें अपने अंदर ही देखना है, क्योंकि हमें उसका सतत चिंतन आत्म तत्व का अपने अंदर ही करना है। और हमें अपने अंदर के नेत्र, अंदर की गंध, अंदर की चैतन्यता ही जागृत करनी है। और उसका सोहम मतलब मैं ही ब्रह्म हूं, और मौन मौन अंतर्मुखी रहना ही उसकी स्तुति करना है। तो ये यहां पर खत्म होता है आत्म पूजो उपनिषद। ओ सॉरी, क्या मैं शेयर नहीं कर पाई थी? मैंने शेयर का बटन ही नहीं दबाया था, तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ, सॉरी। तो आत्म पूजो उपनिषद मतलब इस उपनिषद, मैं चाहती हूं कि आप पढ़ें भी और सुने भी, ताकि आपकी सारी इंद्रियां इसमें रत हों। तो इसलिए मैं इसको दोबारा से पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं शेयर करना भूल गई थी। इस उपनिषद में काया में स्थित आत्म तत्व की, आत्मदेव की पूजा उपासना की विधि समझाई गई है। जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को ही पूजा आराधना बना लेने का कौशल समझाया गया है। इसी से मोक्ष प्राप्ति का कल्याणकारी पथ भी प्रशस्त होता है। इसमें एक ही श्लोक है जिसका अर्थ है,
उस आत्म तत्व का सतत चिंतन ही उसका ध्यान है, समस्त कर्मों का निराकरण ही आवाहन है, अविचल ज्ञान ही उसका आसन है, उस आत्म तत्व के प्रति सदा उन्मुख रहना ही बाध्य है, उस ओर सदैव मनोयोग ही अर्थ है, आत्मा की निरंतर दीप्ति ही आचमन है, श्रेष्ठता की प्राप्ति ही उसका स्नान है, सर्वात्मक दृश्य का विलय शून्य लय समाधि ही गंध है, विशिष्ट नेत्र अंतर नेत्र ही अक्षत हैं, चित चैतन्य दीप्ति ही पुष्प है, उस आत्म तत्व का सूर्यात्मकत्व ही दीपक है, पूर्ण चंद्र और उसके अमृत रूपी रस का एकीकरण ही नैवेद्य है, उसकी सुनियोजित गतिशीलता ही प्रदक्षिणा है, उसका सोहम मैं वही ब्रह्म हूँ भाव ही उसकी स्तुति करना है, सदैव संतुष्ट रहना उसका विसर्जन है, इस प्रकार परिपूर्ण राजयोगी का सर्वात्मक पूजा ही उस तत्व का आधार है, समस्त आदि व्याधियों से रहे मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, यानी मोक्ष के अभिलाषियों की मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा सिद्ध होती है, यही उपनिषद तत्व ज्ञान है। तो ये उपनिषद यहाँ समाप्त होता है और इस उपनिषद में यही बताया गया है कि परमात्मा का चिंतन अपने अंदर में करो, तो अपने अंदर ही ब्रह्म को खोजो और अपने अंदर ही अंतर नेत्र जागृत करो, अंदर ही गंध लो, अंदर ही आत्म चिंतन करो और सोहम मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा समझो और मौन रहकर उसकी स्तुति करो अपने अंदर ही। तो यह है आत्म। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैं इस वीडियो को एडिट करके शुरू का पोर्शन निकाल दूंगी जहां मैंने शेयर ठीक से नहीं हुआ था वो वाला। तो अब मैं आपसे 10 मिनट बाद मिलूंगी अगले उपनिषद के लिए, जो कि फिर 2-3 पेज का है, जिसे हम खत्म कर लेंगे 5-10 मिनट में, और फिर एक और मैं करूंगी, वो भी छोटा सा है। तो ये 3 छोटे वाले आज मैं समाप्त करूंगी उपनिषद। तो 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से मिलते हैं। धन्यवाद देखने का और मुझे सपोर्ट करने के लिए, आगे 2 लोगों को ये वीडियो आप जरूर पास करें। गुड नाइट। राम प्रकाश जी।